दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती इसीलिए सोशल मीडिया पर एक्टिव में रहते थे क्योंकि उन्हें पता है कि सोशल मीडिया पर बहुत से विवाद हो जाते हैं, और एक विवाद इनके साथ हो गया था जब ये बीजेपी में शामिल हुए थे। बहुत ही कम लोगों को पता है कि जब मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी का दामन थामा था तब से उनके ऊपर पुलिस का शिकंजा बन चुका था। उनके ऊपर एक मुकदमा दायर किया गया था, और ये मुकदमा किस चीज़ को लेकर दायर किया गया था ये भी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल राज्यसभा विधानसभा से ठीक पहले 7 मार्च को मिथुन चक्रवर्ती भाजपा में शामिल हुए थे, और उसी दिन ब्रिगेड परेड मैदान में उन्होंने बहुत से दमदार बातें बोली थी, डायलॉग्स बोले थे, और उन्हीं में से उनका एक डायलॉग था, मारेंगे यहाँ लाश गिरेगी शमशान में, ये बोल दिया उन्होंने। और इसके बोलने पर इनके ऊपर कानूनी विवाद फंस गया और इनके ऊपर केस बन गया, उनके ऊपर मुकदमा दायर हो गया, और तब से लेकर ये मुकदमा चल रहा था। लेकिन अब मिथुन चक्रवर्ती को इस चीज़ से राहत मिल गई है। जी हाँ, मिथुन चक्रवर्ती को कलकत्ता हाई कोर्ट से बुधवार को थोड़ी राहत मिली है। विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान अपनी एक फिल्म का लोकप्रिय डायलॉग मारेंगे यहाँ लाश गिरेगी शमशान में बोलने के बाद अब कानूनी विवाद से मिथुन चक्रवर्ती आज़ाद हो चुके हैं। बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति कौशिक चंद्र ने कहा कि फिल्मों में लोकप्रिय डायलॉग से हिंसा नहीं होती है। फिल्म शोले से लेकर अब तक हजारों फिल्मों के डायलॉग लोकप्रिय हैं, लोग अक्सर बोलते हैं, लेकिन क्या उससे कहीं कोई हिंसा होती है? न्यायमूर्ति कौशिक चंद्र ने कहा कि मिथुन चक्रवर्ती मान चुके हैं कि उन्होंने उस वक्त डायलॉग बोला था, न कि उन्हें किसी को भड़काने का मन था। तो इसमें जाँच के लिए क्या बचा है? चुनाव के पहले या बाद में हुई हिंसा से मिथुन चक्रवर्ती अथवा उनके डायलॉग का कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि कोलकाता पुलिस को मामले की जांच की प्रगति अदालत से जमा कराने का निर्देश दे दिया है। अब बाकी कुछ मामलों की अगली सुनवाई मंगलवार को हो सकती है। फिलहाल तो मिथुन चक्रवर्ती पुलिस के शिकंजे से बच गए। एक छोटा सा डायलॉग और इतना बड़ा बवाल।